नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंह न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ। औरैया में गर्जे अमित शाह, बोले होली और दिवाली में मुफ्त मिलेगा सिलेंडर। औरैया में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे बिजली आती है। उन्होंने कहा कि कोरोना में मोदी जी ने मुफ्त राशन दिया, गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। अखिलेश की सरकार में कट्टे और छर्रे बनते हैं, योगी सरकार में गोले बनते हैं जो पाकिस्तान के लिए काम आएंगे। औरैया में बोले अमित शाह, यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने औरैया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार पर हमला बोला है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कासगंज में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करते हैं तो सपा चुनाव आयोग को शिकायत करती है। हम 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, सरकार बनेगी और अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का काम किया जाएगा। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार, 21 फरवरी से सुनाई जाएगी सजा। सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब विवाद को बताया बेकार की बात, कहा सबकी अपनी अपनी मान्यता, अपना अपना ढंग। हिजाब मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विवाद को बेकार की बात बताई है। सीएम ने कहा माथे पर चंदन लगाए या कुछ और, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। बेटे के नामांकन में पहुंचे ओपी राजभर को मिली जान से मारने की धमकी। ओपी राजभर ने सीएम योगी पर लगाया गंभीर आरोप, बोले चुनाव आयोग मुझे सुरक्षा मुहैया कराए, मेरी हत्या हो सकती है। ओपी राजभर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और राज्य में उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और उनकी पार्टी राज्य में 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। सरकार ईमानदार तो बॉर्डर भी सुरक्षित, बोले केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बेईमान सरकार होगी तो पैसा लेकर पोस्टिंग होगी और पैसा लेकर नशा भी बिकवाया जाएगा। दूसरी तरफ ईमानदार मुख्यमंत्री होगा तो यही पंजाब पुलिस नशा रोकेगी, ऊपर से ठीक सिग्नल होगा तो यही पंजाब पुलिस आपको सुरक्षा देगी। उन्होंने कहा मैं आज सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, यहां ईमानदार सरकार होगी तो आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे बॉर्डर भी सुरक्षित रहेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में निकली वैकेंसी, आईटी सेक्टर में मिलेगी नौकरी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 6 से 12 महीने का आईटी कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। नीट यूजी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल से शुरू। नीट राउंड 2 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है। चॉइस फिलिंग की सुविधा 17 फरवरी 2022 से उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय रेलवे में 2.65 लाख से अधिक पद हैं खाली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के तहत 2.65 लाख से अधिक गैजेट और नॉन गैजेट पद कई वर्षों से खाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। टी20 सीरीज से पहले भारत को बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर चोट की वजह से बाहर, कुलदीप यादव टीम में शामिल। विराट कोहली की फॉर्म पर रोहित शर्मा ने मीडिया को घेरा, रोहित शर्मा ने कहा कि ये सब मीडिया से ही शुरू होता है, अगर कुछ समय के लिए मीडिया शांत रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बुरी तरह नाकाम रहे, 3 मैच में 26 रन बना सके, इस दौरान उन्होंने 8, 18 और 0 की पारी खेली। ग्लेन मैक्सवेल और विनी रमन ने भारतीय अंदाज में छपवाया शादी का कार्ड, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ग्लेन मैक्सवेल इस समय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के साथ हैं और श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में हिस्सा भी ले रहे हैं। सीएसके ने बताया रैना को क्यों टीम में नहीं लिया गया, सीईओ विश्वनाथ बोले रैना अब टीम में फिट नहीं बैठते, फ्रेंचाइजी को उनकी कमी खलेगी। 50,000 के पार हुआ 10 ग्राम सोने का दाम, 1 साल के हाई पर पहुंची कीमत। IBPS PO भर्ती का इंटरव्यू लेटर जारी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से PO मेंस परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवार इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। संसद टीवी का हैक हुआ यूट्यूब चैनल, हैकर्स ने नाम बदलकर एथेरियम क्रिप्टो करेंसी किया। रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट, दावा $100 के पार जा सकता है कच्चा तेल, नेचुरल गैस की सप्लाई रुकी तो यूरोप में मचेगा हाहाकार। पार्टी छोड़कर बोले अश्विनी कुमार, पंजाब में कांग्रेस चुनाव हार रही है और आप सरकार आ रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस में रहना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने का ऑप्शन अभी खुला है। मनीष तिवारी का बयान, पंजाब में हिंदू और सिख की बात कोई करता है तो वो ISI के हाथों खेल रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो हिंदू और सिख की बात करता है वो पंजाब की राजनीतिक स्थिरता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यूपी में पूरे धमाके के साथ लौट रही भाजपा, सपा बसपा पर हमलावर सीएम योगी बोले पहले था अराजकता का माहौल। सीएम योगी ने चुनावी जनसभा के दौरान सपा और बसपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में किसानों और व्यापारियों को अराजकता का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
टलने लगा युद्ध का खतरा, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा से लौटना किया शुरू। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से तनातनी बनी हुई है और दोनों के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई करों के लिए खुशखबरी, अगले महीने मेट्रो 2A और मेट्रो 7 शुरू होने वाली है। अगले महीने से मुंबई मेट्रो 2A और 7 पटरियों पर दौड़ने वाली है। मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार स्टेट सर्विस परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल 2022 को किया जा सकता है। गिफ्ट में क्रिप्टो करेंसी लेते हैं तो नहीं देना होगा टैक्स, बजट में सरकार ने बताया ये नया नियम। हालिया बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एप्स पर टैक्स लगाने का नियम बनाया है। सरकार ने बताया कि किन परिस्थितियों में क्रिप्टो एप्स पर टैक्स लगेगा। ये तो थी आज पूरे दिन की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही सत्य और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे HCN News। धन्यवाद।